हेलो फ्रेंड्स, सूर्य टेक्निशियन में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि जैसे कि आप लोग सोलर सिस्टम में इस तरह का डीसी फैन यूज करते हैं, तो इस डीसी फैन में आपने देखा होगा कहीं भी पावर रेटिंग नहीं लिखा हुआ होता है। तो सोलर सिस्टम में लगाने से पहले जो है इस तरह के डीसी लोड का पावर कंजम्पशन कितना है वो आपको चेक करने के लिए आना चाहिए। तो उसी को चेक करने के लिए मैं बताऊँगा। अगर आपको सही से पावर कंजम्पशन पता होगा डीसी लोड का, तो आपको बैटरी बैकअप भी निकालना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डीसी लोड का प्रैक्टिकल पावर कंजम्पशन कितना है वो आपको पता होना। अगर मान के चलिए इस डीसी फैन के मैन्युफैक्चरर ने इसमें कुछ भी वाटेज मेंशन कर रखा है, लेकिन हो सकता है वो गलत हो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है इसका प्रैक्टिकल पावर कंजम्पशन कितना है वो चेक करने के लिए आना चाहिए। तो चलिए चेक करना शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इसका प्रैक्टिकल पावर कंजम्पशन चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो है एक डीसी लोड, यहाँ पर डीसी लोड में डीसी फैन है और एक बैटरी 12 वोल्ट 7 एएच की बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, और एक मल्टीमीटर का भी एमीटर सेक्शन यूज़ करेंगे और एक कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल पावर कंजम्पशन चेक करते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, मल्टीमीटर को जो है डीसी वोल्ट मीटर पर आपको पहले सेट कर लेना है 20 वोल्ट डीसी पे, और उसके बाद जो है मल्टीमीटर का प्रोब वाला जो वायर है उसको बैटरी में कनेक्ट कर देना है। पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान में रखना है। तो इस टाइम में बैटरी का वोल्टेज दिखाने लगेगा, लेकिन ये अभी जो है ओपन सर्किट कंडीशन में है, अभी इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ है। जो मेन वोल्टेज होगा वो अंडर लोड कंडीशन में दिखाएगा। तो ये देखिए डीसी फैन से वायर आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड, रेड वाला प्लस है और ब्लू वाला माइनस है। इसको भी इसी के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ वोल्टेज पे ध्यान दीजिएगा, अभी 13.37 वोल्ट दिखा रहा है, और वोल्टेज का लेवल जो है थोड़ा कम हो जाएगा और वही वोल्टेज जो है एक्चुअल वोल्टेज होगा अभी के केस में। तो देखिए फ्रेंड, ये अभी जो वोल्टेज आ रहा है इसको थोड़ा देर स्थिर होने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको काउंट कर लेंगे कि कौन सा वोल्टेज को लेना है। तो देखिए फ्रेंड, 12.72 वोल्ट पे ये अभी कांस्टेंट हो गया है, 12.72 वोल्ट पे ये अभी कांस्टेंट हो गया है। इसी वोल्ट को हम लोग जो है मेजर कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका अंडर लोड कंडीशन में वोल्टेज। अब जो है हम लोग को ये डीसी फैन कितना करंट कंज्यूम कर रहा है वो हम लोग को देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर के एमीटर सेक्शन का यूज करना पड़ेगा, डीसी वाले सेक्शन का। तो 20 एम्पियर डीसी पे इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव वाले प्रोब को 20 एम्पियर डीसी पे कनेक्ट कर देते हैं। और एमीटर का कनेक्शन जो है सीरीज में होता है, तो सीरीज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो वायर है ये डीसी फैन से आया है, इसके साथ सीरीज कनेक्शन करना है। तो इसमें करना क्या है कि ये जो पॉजिटिव वाला वायर है इसमें मल्टीमीटर का निगेटिव वाला वायर को इस तरह से लगा देंगे, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। और मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव है वो लगा देंगे बैटरी के पॉजिटिव में, और ये फैन का निगेटिव है इसको बैटरी के निगेटिव में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको भी थोड़ी देर में अस्थिर होने दीजिए, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो अभी करंट ले रहा है 1.63 एम्पियर करंट ले रहा है, उसी के आसपास ये आगे पीछे हो रहा है। यही अभी मेजर कर लेते हैं, 1.63 एम्पियर अंडर लोड कंडीशन में यही करंट है जो ये डीसी फैन कंज्यूम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये पावर कितना ले रहा है। तो पावर जो होता है डीसी के केस में वोल्टेज इंटू करेंट होता है। तो वोल्टेज आपने देखा था 12 राउंड फिगर में, अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो 12.7 वोल्ट ले लेते हैं, 12.7 इंटू करंट जो अभी कंज्यूम कर रहा था 1.64 एम्पियर। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पावर कंजम्पशन निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो पावर ले रहा है 20.82 वाट, यानी 21 वाट ये डीसी फैन कंज्यूम करता है।
ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये बोल के देगा कि 10 से 15 वाट ही कंज्यूम करता है, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली ये दिखा दिया कि ये 21 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो उस हिसाब से आप बैटरी का बैकअप भी निकाल पाएंगे। लोड का अगर आपको सही से पता होगा कि लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, जैसे ये 12 वोल्ट 7 AH की बैटरी है, तो इस हिसाब से इस बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हो सकती है 12 × 7 यानी 84 वाट आवर, ये पूरा का पूरा पावर डिलीवर नहीं करता है। इस बैटरी की जो DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मान लेते हैं 60% है, तो 60% के हिसाब से 84 का अगर 60% कीजिएगा तो ये आ जाएगा 84 × 0.6, तो यानी 50.4 वाट आवर। और इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग जो इस फैन का कंजम्पशन था 21 वाट, तो इससे आपको टोटल टाइम निकल जाएगा आवर में कि कितना देर चलेगा, तो देखिए 2.4 आवर चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग जो है अगर आपको लोड का एक्चुअल पावर पता हो तो बैटरी का बैकअप पता कर सकते हैं, लेकिन अगर लोड का पावर एकदम पता नहीं हो तो आप किसी भी तरह से ये चीज़ पता नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत ही कम देर चल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सारा सिस्टम आपका सही है और लोड का पावर कंजम्पशन ज़्यादा है तो बैटरी बैकअप सही से नहीं मिल पाएगा, इसलिए बैटरी बैकअप के सही जानकारी के लिए आपको लोड का पावर कंजम्पशन पता होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल वे में। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इंसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।